यहाँ पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस पीट रही है और किसी भी तरह की एक्टिविटी यहाँ नहीं होने देना चाह रही है। छात्र को यहाँ पीट रही है, पुलिस द्वारा पिटाई किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार 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 पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, आंदोलन में आए तो क्या? देखिए देखिए सर, सर रुके रुके रुके, दादागिरी दिखा रहे हैं सर। हम और मारिए सर, सर गलत कर रहे हैं सर। सर गलत कर रहे हैं, आप ज्यादा हीरो नहीं है, समझे ना? आप गलत कर रहे हैं सर, दिखाइए उनको और मारना है। आप आइए सर, और मारिए सर। अरे देखिए सर, माधन ये हमको हम किए क्या? अरे 10 घंटा मारे हम कल, हम किए क्या सर? हम क्या, मेरा गलती है जो 10 घंटा मार दिया लगातार? वो पूछे उनसे, ज्यादा ये दादागिरी हो गया है, क्यों मारा गया? हम लोग इधर आए हैं, साइड में हम खड़ा है, लगातार वो मार दिया, 10 घंटा मार दिया। हमारे पास लगातार विजुअल है, प्रशासन लगातार इसको गिनती रही, हमारे पास विजुअल है, हम इस वीडियो को डालेंगे। चले प्रशासन से पूछते हैं कि क्यों लगातार इसको मारी है। अब ये इसका क्या कसूर था? ये चुपचाप विद्यार्थी खड़ा था और इसको लगातार दंडम बरसाते गए, अपने सारा गुस्सा इस पर निकाले हैं इस विद्यार्थी के भी। चलिए प्रशासन से बात करते हैं कि ऐसा, आप दिखाइए कि ये ऑफिसर है हमारे, एक नियुक्त विद्यार्थी को इतना मारा है, हमारे पास विजुअल उपलब्ध है, लाइव चल रहा है। सर आप एक विद्यार्थी को कितना अपना गुस्सा सारा निकाल दिए सर, क्या कुछ कहिएगा? बहुत मार मारा है सर आपने, अपना सर पर्सनली गुस्सा निकाल रहे हैं उस पे। अपना काम है सर, हमारे पास विजुअल है, लाइव चल रहा है सर, लाखों लोग देख रहे हैं हमको, लाखों लोग देख रहे हैं। यही सर है, इनका क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह, DSP है। एक नियुक्त विद्यार्थी को इतना मारा गया है, जितना गुस्सा किया गया उतना मारा गया है। किस तरीके से एक बच्चे पर कितना लाठी बरसाएगा? आप एक रिपोर्टर है ना, इन लाठी तो बरसाया गया है, जो भीड़ थी उसको प्रशासन द्वारा भगाया गया है। देखिए कि ये पत्रकार है, उन्होंने कहा कि लाठी किस तरीके से बरसाई गई है, क्या कुछ कहिएगा सर? लाठी बहुत बरसाई गई है एक बच्चे, हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है पुलिस प्रशासन से। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसके बावजूद ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम लोग जब से निकले रूम से, वहीं से पुलिस प्रशासन जो है ना, हम स्टूडेंट को, बहुत स्टूडेंट थे, अलग अलग कर दिया, 3-4 बार जो है अलग अलग कर दिया गया। और जब भी लाठी बरसाई गई थी, आज भी बरसाई गई, क्या कहिएगा? बिल्कुल, हम लोग लाठी तो लगातार जो है, हम लोग कह रहे थे कि आपके बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही बात है ना कि शांतिपूर्ण हम लोग का चल रहा था धरना प्रदर्शन, उसके बाद भी ये जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से लाठी चार्ज करते हैं, आप देख लीजिए कि पूरे तरीके से रेलवे का जो स्थिति है, पूरे बिहार में, उड़ीसा जैसे राज्य में किस तरीके से ट्रेन त्रासदी हुआ है पिछले दिनों, इतने लोग मारे गए हैं, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है। ऐसे में जो है इसमें सीट को, वैकेंसी को देने की बात होनी चाहिए, सरकार को ये समझनी चाहिए कि रेलवे में जो इतने बड़ा सेक्टर है, हमारे देश का तंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जिसको बचाने की लड़ाई में आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। और आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तहत शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, मैं ये वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आप लाइव भी देख रहे थे कि किस तरीके से एक निहत्ते विद्यार्थी पर लगातार लाठियां बरसाई गई। विद्यार्थी पूछता रहा कि मेरा क्या कसूर है, फिर भी रोका नहीं गया, लगातार उस पर लाठियां बरसाई गई। आप देख रहे हैं क्या कहते पब्लिक, मैं अनिता का डिग्री मांग रहे हैं आप लोग सर। आई कार्ड है, आई कार्ड तो पत्रकार है हमारे पास, देखिए किस तरीके से मेरा माइक छीना गया और किस तरीके से मारा गया। मेरा दोस्त सिर्फ ये है कि एक अधिकारी के खिलाफ एक बच्चे को निहत्था मारा गया, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, सारे लोग देख रहे थे, और अपना पर्सनल गुस्सा हम पे निकाला, देखिए किस तरीके से मारा, पर्सनल गुस्सा। ये अशोक कुमार सिंह जी है, अशोक कुमार अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह,